पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर, जिनकी लव स्टोरी अब देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर उनको लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग उन्हें अच्छा कह रहे हैं, एक प्रेमिका कह रहे हैं जो अपने प्यार को पूरा करने के लिए देश की सीमाएं भी लांघ चुकी हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सीमा के मामले की जांच होनी चाहिए। लग नहीं रहा कि एक आम औरत इस तरीके से एक देश से दूसरे देश और दूसरे से तीसरे देश इस तरीके से अलग अलग देशों से होते हुए अपने प्यार को पूरा कर ले, और सिर्फ प्यार के लिए वो अपने बच्चों को अपने घर को छोड़ दें और बच्चों को साथ ले लें, और उसके बाद इतनी सारी यात्राएं करके भारत जैसे देश पहुंच जाएं, उस पाकिस्तान से जहां दोनों के संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहते हैं। अब इन सारे मामलों के बीच में जो सोशल मीडिया की चर्चा है, उन सब के बीच में कुछ लोगों के बयान आने लगे हैं, और ये वो लोग हैं जो समाज में एक हिस्सा रखते हैं। बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिज़वी बरेलवी की। उन्होंने सीमा हैदर के भारत आने के पीछे पाकिस्तान की साजिश होने की आशंका जताई है। मौलाना ने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बहुत खतरनाक प्लान करती है और इसकी हर एक चाल भारत के खिलाफ होती है। तरह तरह के हथकंडे का इस्तेमाल किया जाता है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ये लोग घुसपैठ कराते हैं। कश्मीर में ISI आतंकवादी गतिविधियों के लिए आतंकवादियों को भेजने का काम करती है, और इसी सारी कड़ी में एक नई प्लानिंग के तहत, नई योजना के तहत पाकिस्तानी महिला को धर्मांतरण कराकर भारत में भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण को एक खतरनाक साजिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। शहाबुद्दीन रिज़वी ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर भारत आई है, वो कहानी ही अपने आप में हैरान करने वाली है। उसका पाकिस्तान से नेपाल आना, नेपाल के किसी मंदिर में सचिन से शादी कर लेना, भारत आकर धर्मांतरण करना और उस बात का प्रचार करना, खास तौर पर ये प्रचार वाली जो बात है कि वो लोगों के बीच में अपने आप को एक बहू के तौर पर जो दिखा रही हैं, ये उसकी गतिविधियों पर शक करने को मजबूर करता है। मौलाना ने आगे कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि सीमा हैदर को तुरंत पाकिस्तान वापस भेज दें, वरना पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अपनी योजना में कामयाब हो जाएगी और इस महिला के माध्यम से नेपाल के रास्ते भारत के खिलाफ योजनाएं जो बनाई जाती हैं वो और भी बनाई जाएंगी। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सोचने वाली बात तो ये भी है जो उन्होंने आगे कहा कि कहीं सचिन और उसका परिवार सीमा का मोहराना बन गया हो। मौलाना ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि जो लोग ये तमाम सवाल उठा रहे हैं कि सीमा के या उनके शौहर का, उनके पति का, जो पाकिस्तानी पति है, उनका क्या होगा, तो जब उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, इस्लाम छोड़ दिया, तो उनको अपने पति को, पाकिस्तानी पति को, हैदर को तलाक देने की जरूरत नहीं है। लेकिन शरीयत के हिसाब से हैदर के ही ये बच्चे माने जाएंगे जो सीमा के साथ हैं। इस बीच में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीरुल्लाह खान ने भी पाकिस्तान से आए सीमा हैदर के मसले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर भारत के लिए खतरा है, सीमा देश के लिए खतरे की घंटी है। बहस तो इस बात पर होनी चाहिए कि एक महिला पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ बिना वीजा के भारत कैसे आ गई, उसे किसी भी सीमा पर क्यों नहीं, किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री पर क्यों नहीं रोका गया। यहां बहस तो किसी और दिशा में होने लग गई, ये पूर्व विधायक साहब का कहना है। वो कहते हैं कि लोग ये तो बात कर रहे हैं कि वो कहां रहेगी, कैसे रहेगी, लेकिन असली विषय पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, और इसीलिए भारत सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए, सीमा को भेज देना चाहिए जेल में और वहां उससे कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। इस वक्त सीमा हैदर देश के लिए खतरा है और ये देशभक्तों को समझना चाहिए जो बात बात में देशभक्ति की गुहार लगाते हैं, ये भी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक कह गए। उन्होंने कहा, और ये सवाल जो कई लोग पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो भी वही सवाल पूछना चाहते हैं कि बिना वीजा के सीमा हैदर आखिरकार उत्तर प्रदेश तक कैसे पहुंची। उन्होंने कहा कि योजना के तहत तो कहीं ऐसा नहीं कि सीमा हैदर को भारत भेजा गया हो, जिस बात का पर्दाफाश होना चाहिए। वो असल में कहां से आई है, वो कौन है, वो सीमा है या मरियम है या कोई नीतू है, सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हुई है। सरकार इस मामले को देखे, सचिन और सीमा का कोई मेल नहीं दिखता है, लेकिन उसके बावजूद ये जोड़ी एक साथ दिखाई दे रही है। तो ये जोड़ी एक साथ कैसे है, क्या कहानी है, इस मामले की जांच हो तो कहीं ना कहीं सीमा हैदर के मामले में अब देखने को मिल रहा है कि लोग सीमा हैदर पर, उनके आने पर, उनके आने की कहानी पर, सचिन से प्यार की कहानी पर शक कर रहे हैं। सवाल ढेर सारे हैं कि क्या ये कोई पाकिस्तानी साजिश है, क्या सीमा हैदर कोई पाकिस्तानी एजेंट या ISI की एजेंट है,
और लोग अब इन्हीं मामलों की जांच की मांग भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार कर रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।